कर्म करो और फल की कोई इच्छा मत रखो, सेवा का भाव रखो और सभी का भला करो। इस बात को अपने जीवन में किसी ने शत प्रतिशत अपनाया है तो वो केवल एक और एक ही शख्स है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। वो सभी की सुनता है बिना किसी भेदभाव के। वो किसी के लिए भी ना नुकुर बहाने नहीं करता है। वो भूतकाल की शिकायत नहीं, आने वाले सुनहरे कल की बात करता है। वो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मिसाल है। सहयोग, विकास और ईमानदारी, यही उसके हथियार हैं। समृद्ध भारत, यही उसका एकमात्र लक्ष्य है। वो सिर्फ काम, काम और काम, इसी नीति पर चलता है। जीवन इदनानी या राजू इदनानी, वो नाम जिससे लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। अपने नाम राजू की ही तरह आम, सिंपल और हम्बल। कोई भी कभी भी उनसे मिल सकता है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है और उसका सलूशन झट से पा सकता है। बस इतना ही इंट्रोडक्शन काफी है जन जन के लोकप्रिय नेता जीवन उर्फ राजू इदनानी जी का। 1977 में आर के तलरेजा कॉलेज से स्टूडेंट क्लास रिप्रेजेंटेटिव और फिर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए इस युवा नेता ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। विद्यार्थी की बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने लोक सेवा का व्रत ले लिया। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। वर्ष 1986, जीवन राजू इदनानी जी ने अपना पहला म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव लड़ा और भारी मतों से नगर सेवक चुने गए। फिर क्या था, सिपाही को आप केवल हथियार दे दो, फिर वो और कुछ नहीं चाहता। वो बस लड़ना जानता है और जीतना जानता है। ठीक उसी तरह सेवा करने का ध्येय लेकर आए राजू इदनानी जी को जनता ने वार्ड कॉर्पोरेटर चुनकर लाने की देर थी। उस वार्ड की किस्मत उसी दिन खुल गई। अपने काम के दम पर उन्होंने वो कर दिखाया जो उल्हासनगर की राजनीति में आज तक उसकी मिसाल दी जाती है। कोना कोना उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बदलाव की बहार देख रहा था और जिसका परिणाम ये हुआ कि जब 5 साल का उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो 1991 में वो उसी वार्ड से निर्विरोध चुनकर आए। जीवन इदनानी ने प्रण किया था कि उनके वार्ड का विकास ही उनके शहर के विकास की सीढ़ी बनेगा। फिर क्या था, ये सिलसिला जो चला वो आज तक जारी है। 1995 में फिर वो वार्ड कॉर्पोरेटर चुने गए। इतना ही नहीं, उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ लोक सेवा के इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी, जिसका परिणाम स्वरूप वो भी कॉर्पोरेटर चुनकर आई। बस फिर क्या था, लोगों का कहना था इस जोड़ी में दम है। फिर 2002 में वार्ड कॉर्पोरेटर के लिए नॉमिनेट होकर आए और अन्यथा 2006 में अपने आध्यात्मिक गुरु साईं बलराम जी के आशीष से उन्होंने सेक्युलर अलायंस ऑफ इंडिया पार्टी का गठन किया और अपने पॉलिटिकल करियर में वो कर दिखाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सालों से भ्रष्टाचार और आतंक की मार झेल रही उल्हासनगर की जनता को साईं बलराम पार्टी ने आजादी दिलाई। अपने शुरुआती दौर के खाते में इस पार्टी की संख्या 10 की हुई और जिन्होंने उल्हासनगर में सुनहरे दिनों की नई शुरुआत की। वो खुद भी इसी पार्टी से कॉर्पोरेटर चुने गए और वो रिकॉर्ड 2007 से लेकर अब तक कायम है। 2007 में उनकी पार्टी ने पहली बार में ही रिकॉर्ड जीत हासिल कर अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर अपना मेयर नियुक्त किया था। शहर का विकास, ईमानदारी से लोक सेवा
भ्रष्ट और आतंक मुक्त शहर, अपने इसी मोटो पर कायम जीवन इदनानी जी की पार्टी साई पार्टी आज शहर में पोल्ड वोट्स में सबसे बड़ा हिस्सा रखती है और केवल अपने काम के दम पर उनके सारे वार्ड्स उनके कॉर्पोरेटर्स के गुण गाते हैं। वर्ष 2012 से 2015 तक उनकी धर्म पत्नी आशा जीवन इदनानी उल्हासनगर की महापौर रही। पति पत्नी द्वारा उठाया गया विकास का बीड़ा बदस्तूर अपने राह पर निरंतर प्रगतिशील है। सच में इस जोड़ी में दम है। वो पब्लिक की हर तकलीफ को भली भांति जानते हैं, इसीलिए वो और उनकी पार्टी हमेशा बेसिक्स पर जोर देती रही है। पब्लिक की बेसिक जरूरत जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, रोड्स, कचरे की सफाई, इन सब बातों से पब्लिक को कैसे निजात मिले, इस पर वो सबसे पहले काम करते हैं। मेरे कार्यालय में जो भी लोग आते हैं, मेरा फर्ज है उनकी सेवा करना, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। मेरा लक्ष्य है उसका काम करना। उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए मैंने राजनीति में पैर रखा और मुझे जनता ने साथ दिया, बार बार चुनके भेजा। चुनके भेजने के बाद बार बार मुझे कॉरपोरेशन में या नगर पालिका में कई पद दे के सम्मानित किया गया। जैसे कि 86 से नगर पालिका में था, दो तीन बार पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन रहा, टाउन प्लानिंग का चेयरमैन रहा। उसके बाद कॉरपोरेशन के दौर में मैंने कई पद जो है मुझे मिले, जैसे कि ग्रुप लीडर या अन्य कई स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यता मिली। आगे चल के मैं हमारे साईं जी के ब्रह्मलीन होने के बाद मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसी लक्ष्य के साथ, जो हमारे साईं जी का भी लक्ष्य था कि जनसेवा, एक ईमानदार कोशिश। जनता हमें चुन के देती है तो हमको पावर अपने लिए एंजॉय नहीं करना है, हमको उस पावर का सदुपयोग करना है जनता के लिए, ताकि जनता का कुछ दर्द कम कर सके, इस शहर को कुछ दे सके, इस शहर को कुछ बना सके। तो उसी दिशा में हम रोज़ कोशिश करते हैं। हमारे साईं जी कहते थे, रोज़ उठो, रोज़ एक ईमानदार कोशिश करो, सच्चाई से कोशिश करो, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, या आपने देखे होंगे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी अपनी अपनी एरिया में इसी असूल पे चलते हैं कि लोगों की सेवा करनी है। और जनता अच्छी तरह से जानती है कि क्या करना है, जनता को समझ है। जनता को आज के समय कोई उल्लू नहीं बना सकता, कोई भी लोभ लालच दे के जनता को खरीद नहीं सकता। जनता समझदार है, जनता को पता है कि किसको चुन के देना है, कौन सेवा करेगा, कौन नहीं करेगा। आगे भी उम्मीद है, जनता जनार्दन है, वो हमें साथ देगी। तो जनता जनार्दन के हाथों में फिर से हमने अपनी चाबी दे दी है, ताला उन्हीं को खोलना है। बात बिल्कुल सही है, मैं जनता का हूँ। आप जीवन राजू इदनानी को बस नेता के रूप में देख सकते हैं। आप उन्हें और उनकी पार्टी को किसी भी विशिष्ट समुदाय और समाज से नहीं जोड़ सकते। वो सबके लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जीवन राजू इदनानी, एक ऐसा नाम जो सच में चलना जानता है, रुकना नहीं। वो आज जनता की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं और एक ही व्रत लेकर चल रहे हैं कि मेरा जीवन लोक सेवा को समर्पित था, है और रहेगा। आओ मिलकर करें शहर का विकास साईं पक्ष के साथ। याद रखिए, मंगलवार 21 फरवरी 2017 के दिन हम सबको मिलकर करना है मतदान।